सो इस टॉपिक के अंदर हमने प्रीवियस टॉपिक में डोर्स और विंडोज़ को प्लेस कर लिया है, तो अब वेरी नेक्स्ट जो हमारा मेन टास्क है डेफिनेटली वो है कि टेक्स्टिंग, टेक्स्ट की इम्पॉर्टेंस के ऊपर हम ऑलरेडी बड़ी डिबेट कर चुके हैं कि बेसिकली टेक्स्ट ही हमारी जो है रीडेबिलिटी को, इंटरप्रटेशन को बढ़ा रहा होता है। अब विदाउट टेक्स्ट अगर यही जो हमने ड्राॅइंग बनाई है आप किसी को कन्वे करें, तो चलें कोई टेक्निकल बंदा जो थोड़ा सा नाउ हाउ, जिसको इस फील्ड का नॉलेज है, वो तो शायद फिर भी समझ जाए कि ये चलें बेडरूम हो सकता है, ये एक ड्राइंग रूम हो सकती है, ये लिविंग रूम है, ये टीवी लाउंज एटसेट्रा। बट लेकिन कोई कैसा बंदा जिस जो नॉन टेक्निकल है, जो जिसको हम लेमैन नॉर्मली अप्रोच में कह रहे होते हैं, सो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड दी ड्राइंग्स, उसको तो पता ही नहीं है कि ये ड्राइंग के अंदर क्या है, कौन सा बेडरूम है, कौन सा बाथरूम है, पेशियो का कॉन्सेप्ट हमने दिया, पेशियो को वी मेक कन्फ्यूज दिस वन विद अ रूम एज वेल। आप अगर नॉर्मली देखें तो कमरे ही लग रहा है। तो टेक्स्ट जो है इंतहाई इंपॉर्टेंट कमांड है, इन सारे लिहाज से टेक्स्ट की जो है वो इम्पॉर्टेंस सामने आती है कि कितनी इंपॉर्टेंट कमांड है ये और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। सो टेक्स्ट ऐड करेंगे हम। अब अगेन जब हम मेजर करते हैं रूम साइज़, DI की कमांड हम लगा लगा के, तो मैंने आसानी के लिए जो है और टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी मेजर्स कर लिए हैं डायमेंशंस रूम के विद इन। अब हो सकता है उसमें कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखी हैं और आपने अगर बनाया है तो आप वहाँ पर जो है वो बैठे हों, अच्छा जी वो सर ने तो ये वाले कुछ इंचेस बताए थे, अब यहाँ इंचेस ज़्यादा आ रहे हैं, तो कम ज़्यादा हो सकते हैं। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है कि एग्जैक्टली एज इट इज़ आपने उसको फॉलो करना है। सो मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट की डायमेंशंस लिख ली हैं, तो वेरी क्विकली जो है मैं टेक्स्ट हाइट को फिक्स करके, जो रीजनेबल अप्रोप्रिएट टेक्स्ट हाइट नज़र आ रही होगी, और उसी को जो है हम क्विकली चेंज कर लेंगे, नंबर वन। नंबर टू, हम वेरी क्विकली जो है वो डायमेंशंस ऑलरेडी भी हमने लगाई हुई हैं, लेकिन वहाँ यहाँ पर बहुत क्विक वे में दोबारा मैं आपको, ताकि वो एक किस्म की आपकी रेपिटेशन भी हो जाएगी उस टॉपिक के साथ, और आपकी ताकि थोड़ी सी नॉलेज जो है वो और आपका बढ़ जाए। सो इन दो टॉपिक्स को जो है, इन दो चीज़ों को जो है हम इन कवर करते हैं इस टॉपिक के अंदर। सो बढ़ते हैं ड्राइंग की तरफ, ताकि हम अपने जो हाउस प्लान है जो हम बना रहे हैं इसको हम कोई क्विकली जो है वो कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएँ। सो ये हमारे पास प्लान है जिसको अभी हमने कम्प्लीट किया है अपने प्रीवियस जो टॉपिक था उसके अंदर। सो हम LA करके एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो टेक्स्ट के नाम से, और अगर इफ़ वी वांट टू चेंज द कलर वी कैन देख लेते हैं, अगर हमारे पास कुछ रीज़नेबल और अप्रोप्रिएट और कलर थोड़ा सा डिफरेंट, चलें ये वाला जो है वो कलर सरसब्ज जो है वो पाकिस्तान के ही कॉन्टेक्स्ट में हम इसको ले लेते हैं, और टेक्स्ट को जो है हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब जब भी हमने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करना है डेफिनेटली, तो उसके लिए आपको पहले भी बताया था कि हमने DI की कमांड लाजमी, और जब हमने बताते हैं कि ये कमरा 10x12 है, 12x14 है, एक चीज़ तो ये इंश्योर्ड है कि पहले एक्स की वैल्यू जो है वो आपके सामने आती है, नंबर वन, और नंबर टू जो है वो क्या है हमारी वाई की आएगी। तो हम DI की कमांड को ऑपरेट करते रहेंगे साथ साथ ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब फिलहाल जो है फॉर द टाइम बींग मैंने ये खुद मेजर कर ली की हुई हैं, तो मैं डायरेक्टली पुट करता जाऊँगा, बट डेफिनेटली जब आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो आपने उन डायमेंशंस को जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, बताना है। सो हम यहाँ पे जो है टेक्स्ट लिख लेते हैं, एक को टेक्स्ट रीजनेबल लिख लेते हैं तक, और इसमें हम इसकी हाइट को जो है वो इंश्योर कर लेंगे, ये हमारे पास यहाँ से भी ऑप्शन मौजूद है। सो ये हमारे पास एक टेक्स्ट है, और सपोज हम इसको जो है वो बेडरूम, इसको जो है हम, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, और इसको हम यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। सो ये अभी जो है इट सीम्स ये थोड़ा सा ये बड़ा टेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू आवर ड्राइंग। सो फिलहाल जो है ये 4 feet पे है, सो वाई नॉट टू मेक इट 1 feet, ज़रा 1 feet पे ओके करके देख लेते हैं हम, आई गेस दिस इज़ रीज़नेबल, या अगर हम चाहें तो चलें थोड़ा सा सेलेक्ट करके स्लाइटली जो है वो इसको हम 1.5 feet पे करके देख लेते हैं। सो नाउ दिस सीम्स बिट फाइन, मेरे ख्याल में हमारा ये ओके भी है, और इसको जो है हम एम एंटर करके थोड़ा सा पीछे मूव कर लेते हैं, यहाँ तक रख लेते हैं, इसी पे क्लिक करके और हम एंटर कर लेते हैं, और साथ हम डायमेंशंस लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए फिर अगली डायमेंशंस को आसानी हो। सो ये मैंने ऑलरेडी मेजर की हैं, सो दैट इज़ 16 feet, और जो है वो क्रॉस हम यहाँ पर डालेंगे डेफिनेटली, जो हम इसको
बाय का साइन है 16, ये हमारा एक्स एक्सिस जो है वो, और अगर हम कैप्स लॉक ऑन करके करें तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई जो है दैट इज़ 16 फीट, और डैश क्योंकि इंचेस जब होंगे तो डैश आएगा, सो 7 जो है एंड 1.5 जो है वो इंचेस है। सो ये हमारे पास हमारे बेडरूम की जो है वो एक डायमेंशन है। अब मेरे ख्याल में इसको 1 ही रहने देते हैं, क्योंकि अगर ये छोटे जब कमरों में जाएगा तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ट्रबल क्रिएट कर सकता है, और एम की कमांड लगा के हम थोड़ा सा इसको जो है वो सेंट्रलिटी। अब हम करते क्या हैं कि जो है हम सी ओ हमारे पास, क्योंकि हमने कमांड ऑलरेडी लगाई हुई है कॉपी विद बेस पॉइंट, तो हम यहाँ पे सी ओ की कमांड लगा के ये मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो पेस्ट कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाएगी हमारे लिए जो है वो। और यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि शायद अगर हमें कुछ कम ज़्यादा इस टेक्स्ट को करना पड़े तो हम कर सकेंगे, और ये हमारे पास है, और ये जो है वो यहाँ पे भी, और डेफिनेटली यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम विल सी के अगर हमने, और ये हमारी रियर स्पेस भी है, तो ये हमने जो है वो वी हैव इंश्योर्ड के हमारे पास जो है वो जो हमारा लिविंग रूम है, और हमारे पास हमारे मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो मौजूद हैं। सो ऑल वी नीड टू डू इज़ स्टार्ट करते हैं एडिट करना। सो यहाँ से आ जाते हैं, हम बैक से स्टार्ट कर लेते हैं, और ये हमारे पास जो है दिस इज़ आर रियर जो है वो स्पेस है, और इसको बैक स्पेस भी कहते हैं, एंटर कर देते हैं हम ताकि नीचे आ जाएं। सो ये 3 का वर्ड हम यहाँ से, सो रियर स्पेस जो है ये हमारी 7 फीट जो है वो वाइड है, ये हम डिपेंड करता है इसको, देर आर मल्टीपल मैथड्स, सो 7 फीट वाइड तो ये हमारा, और अगर हम चाहें तो इफ़ वी वांट तो वी कैन इवन कट एंड कंट्रोल वी, इसको स्ट्रेट भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मली स्ट्रेट भी लिखी हुई होती है, इस तरह भी इसको हम शो करते हैं। इधर आ जाते हैं तो ये हमारे पास हमारा बाथ है, और इसका जो साइज़ है वो हमने, ये हमारे पास बी चलें बड़ा, और कैप्स लॉक हम ऑन कर लेते हैं। सो साइज़ ऑफ दिस वन इज़ 6x7, अगर आपको याद हो आप प्रीवियस भी जाएं तो आपको ने जब हमने ये लगाया था, सो दैट इज़ 6 feet by 7 feet, तो ये जो है हमारे पास 7 ये इंचेस लिखा गया है, तो ये 6x7, अगर हम चाहें तो हम जो है वो वी वांट टू मेक इट, तो हम इसको जो है वो 6 feet - 0 inch भी लिख सकते हैं, 7 feet - 0 inch भी, बट क्योंकि इंचेस है ही नहीं ये डायरेक्टली 6x7 है, और एम करके थोड़ा सा सेंट्रलिटी हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारा शायद अर्थो हमने सारी सेटिंग्स में ऑन रखे हुए हैं, तो ये हमारे पास ये हो गया। अब हम आ जाते हैं बेडरूम की तरफ, ये हमारा बड़ा बेडरूम है तो इसको मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं, क्योंकि सब ये इससे बड़ा है, सो इसका नाम हम स्लाइटली, क्योंकि हमारे पास बड़ा जो है हमारा बेडरूम है, सो एम ए एस टी ई आर मास्टर बेडरूम हम इसको कह लेते हैं, और फिर हम रूम को भी डेफिनेटली आर डबल ओ एम कर लेते हैं ताकि हमारा सिर्फ इनिशियल वर्ड जो है वो कैपिटल रहे, और इसको जो है हम डबल क्लिक करते हैं, इसको हम यहाँ से एंटर करते हैं, और इसको हम देख लेते हैं दैट इज़ ये 26 feet, सो दिस इज़ 26 feet - 4.5 जो है वो इंचेस, ये इसका एक्स एक्सिस है, और वाई जो है इसका दैट इज़ 18, सो इसमें हमें जो है वो 18 की जो है वो ऑप्शन मौजूद है। सो ये हमारे पास हमारा मास्टर बेडरूम आ गया, और इसके साथ जो है हमारे पास एसोसिएटेड ये बेडरूम हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब हमारे पास ऑप्शन है ये वाले, इसको भी हम डेफिनेटली, ये हमारा बाथरूम है तो इसको कैप्स लॉक ऑन करके बी ए टी एच, और बाथरूम की जो है वो हम यहाँ पे आर डबल ओ एम बाथरूम कह देते हैं इसका, और इसका साइज़ जो है दैट इज़ 10 feet, और साथ इसके है 8 7.5, सो 8 7.5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास है, ये हमारा ड्रेस है, तो इसको भी वी कैन इवन चेंज दिस वन ड्रेस, और दिस इज़ 7x10, सो 7, और ये जो है ये सारा हो जाएगा डिलीट, और दिस इज़ 10, सो दिस इज़ हाउ ये हमारे पास हमारा ड्रेस। नीचे आ जाते हैं क्विकली, ये हमारे पास किचन है, तो किचन जो है वो हम इंश्योर कर लेते हैं कि के
ITCHE इसका हमने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ था. सो ये हमारे पास किचन है, तो इसको जो है हम देखें तो दिस इज 16 फीट और ये हमारे पास है 16 फीट. ओके दिस इज़ फाइन एंड 20 10 एंड हाफ, तो ये 20 फीट है क्योंकि स्पेसेस हम ऑलरेडी जिक्र कर रहे थे काफ़ी बड़ी हैं हमारे पास. तो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम वेरिएट बड़ी बड़ी स्पेसेस दे सकते हैं. तो किचन भी हमारा दिस सीम्स फाइन. सो ये हमारे पास जो है वो नीचे आ जाएँ तो हमारा पाउडर रूम है. सो इसको जो है हम यहाँ से इंश्योर कर लेते हैं. सो पाउडर जो है वो ये पाउडर रूम आ गया हमारे पास और RMM है तो इसको भी हम स्मॉलर उसमें लेके आ जाते हैं. सो ये हमारे पास पाउडर रूम आ गया. अब हम चाहें तो थोड़ा सा इस टेक्स्ट को जो है वो सिर्फ चलें पाउडर रूम न भी लिखें, ये भी दिस इज़ कन्वेइंग द मैसेज. तो पाउडर को हम पाउडर लिख लेते हैं ताकि हमारी आसानी हो. और दिस इज़ 7x7, सो 7x7, तो इसको भी हम 7 कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए. और अब हम आखिर में बस मूव करते हुए आ रहे हैं. ये आ गया हमारे पास, ये हमारे पास जो है वो टीवी लाउंज या लिविंग एरिया जिसे हम कहते हैं. चलें इसको हम टीवी लाउंज अगर कह रहे हैं तो कैप्स लॉक ऑन करके टीवी और एल बड़ा और UNGE लाउंज एंटर कर दें नीचे, क्योंकि नीचे आना चाहिए. ये है जी 26 फीट और इसके साथ जो है ये डैश 4.5. अब ये 4.5 को आपने 41 नहीं समझ लेना, दिस इज़ 4.5 यानी 4 और उसके साथ हाफ. ये दिस इज़ हाउ यू राइट जब आप डायमेंशंस को लिख रहे होते हैं. इसी तरह ये 20 फीट है और साथ 7.5, तो ये 7.5 ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो ये टीवी लाउंज है. ये हमारे पास पेशियो है जिसको हमने कहा था कि ये ओपन टू स्काई होगा और ये आपका जो है वो डिज़ाइन के अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेशियो. इसको एंटर कर दें. दिस इज़ 16 7.5, 16-7.5 और साथ इसके है 8 फीट. यस दिस इज़ 8 and 3 inches, 8 feet and 3 inches. सो 3 जो है इस तरह हम लिख लेते हैं. सो ये हमारे पास पेशियो का हो गया. इसको हम प्लेसमेंट थोड़ी सी बदला सकते हैं. ये हमारे पास आ जाएँ डाइनिंग जो हमने गेस्ट्स के लिए जो है वो इंश्योर की है ताकि प्राइवेसी भी इंश्योर हो जाए एज़ वेल एज़ उनका वर्क भी. तो इसको एंटर कर लेते हैं. तो डाइनिंग जो है दैट इज़ 18 9 and 8, सो 18 दिस इज़ 18 feet, साथ 9 inches हैं तो 9 inches और डैश हमारे पास जो है दैट इज़ 8 और साथ ये. तो ये हमारे पास डाइनिंग है. अब नीचे हम जा जाते हैं तो ये हमारे पास ड्राइंग रूम है. सो ड्राइंग डी हम बड़ा कर लेते हैं और ये हमारे पास ड्राइंग रूम है एंड दैट इज़ 18 9 by 17. सो 18 अगेन थोड़ा बहुत अगर इन केस कोई आपको डिफरेंस लगे जब आप इसको लिख रहे हो, तो आपने अगर कैलकुलेशन करके लिख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई इधर डिफरेंस है तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हो. और ये हमारे पास अगर हम कार पोर्च कर लें यहाँ पे, क्योंकि बड़ा घर है तो पॉसिबिलिटी इज़ देयर कि यहाँ पे ज़्यादा डेफिनेटली गाड़ियाँ आ सकती हैं, बड़ी गाड़ियाँ. नॉर्मली आप देखते हैं बड़े घरों के अंदर आपको जो है वो, सो 31.5, सो इसको विल मेक इट 30 और डैश 1.5 inch और इधर जो है हमारे पास 10 1.5, सो 10 feet 1 and dash 1 1.5, ये नहीं 1.5 है. सो आई होप वी आर डन विद टेक्सटिंग. क्विकली मैंने नोट किए. अब हम लास्ट में जो है वो ऐड कर लेते हैं डायमेंशनिंग, ताकि हमने टेक्सटिंग ऐड कर ली है और हम डायमेंशंस के ऊपर जो है वो वर्क कर लें. सो हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है. हमने दो चीज़ें यहाँ पे इंश्योर करनी है. हमने वर्क किया था डी, हमने जो ऑलरेडी काम किया है, और टेक्स्ट को हम थोड़ा सा इंश्योर कर लेते हैं कि टेक्स्ट में आए. तो फॉर एग्जांपल हम इसको 10 इंचेस कर लेते हैं तो ये रीज़नेबल है. लाइंस में हमने ऑलरेडी काम किया था तो, और ये अगर हम एक्स्ट्रा लाइन बाद में डिलीट भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं. बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग अगर हम इसको क्लोज करें और सबसे पहले हम DLI डायमेंशन जिसको हमने कहा था लीनियर, और सपोज ये हमारे पास जो है वो लीनियर डायमेंशन अगर ये वाली है, और अब हम यहाँ से जो है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे तो DCO डायमेंशन कंटिन्यू जिसकी हमने ऑलरेडी ऑप्शन देखी है, और हम जो है वो क्लिक करते जाते हैं. ये डोर है तो ये इसका डिस्टेंस कितना है, देन ये वॉल है, सपोज ये वॉल है. अगर आपने यहाँ तक का डिस्टेंस भी बताना है तो येस वी कैन. सो ये डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज़ कि आप कौन सा पर्पज़ सर्व कर रहे हैं, कितनी डायमेंशन को आप दिखाना चाह रहे हैं.
सो और अगर आप चाहें तो मज़ीद अभी भी आप नोट करें तो टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो हम वी कैन इवन चेंज दिस टेक्स्ट साइज़ एज़ वेल। सो ये हमारे पास यहाँ तक आ गए, हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तक सपोज़ यहाँ तक, और अगर आप नोट करें तो यहाँ तक और ये, तो ये हमारे पास जो है हमने मल्टीपल उसमें एस्पेक्ट्स में काम कर लिया है। ये सारी जो है अगर आप देखें साइड अगेन, अगर हम चाहें तो मॉडिफाई में जाके और टेक्स्ट को ज़रा स्लाइटली 10 को अगर हम लेट्स मेक इट 7, सो थोड़ा सा जो है इसमें डेफिनेटली ये आप नोट करें तो अब थोड़ा सा और क्लैरिटी हो गई होगी। इसी तरह जब हमने इधर से मूव करना है तो सबसे पहले हमने दोबारा DLI डायमेंशन लीनियर की कमांड जो है वो लगाएंगे, दैट इज़ सपोज ये है हमारे पास। सो अब हम DCO की कमांड के साथ जो है वो अगर हम चाहें तो ये वाली विंडो यहाँ तक है, फिर यहाँ तक है, फिर ये है, फिर ये है, फिर विंडो है। अब ये डिपेंड कर रहा होता है, मैं ऑलरेडी एक चीज़ मैंने क्लियर की थी कि नॉर्मली जो हाउस प्लान हम जमा करवाते हैं उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेलिंग रिक्वायर्ड नहीं होती, वो जस्ट आपसे पूछना चाह रहे होते हैं मेन जो आपके बाहर के एक्सटीरियर डायमेंशन हैं। बट यस, जब आप साइट प्लान किसी इंजीनियर को दे रहे हैं जो आपके वर्क कर रहा है, जो आप जिसकी ड्राइंग्स जो आपकी बना रहा है, तो वहाँ पे जो है वो ये चीज़ें डिमांड करता है, रिक्वायर्ड होती हैं और आपने देनी भी होती हैं। चलें ये वाली साइट भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चौथी साइट लीव अप टू यू कि आप लोग खुद जो है वो इसको एग्जीक्यूट करना, परफॉर्म करना आगे जाके, ताकि आपके लिए जो है वो आसानी हो। सो दिस वन एज़ वेल, ये हमारे पास साइड है। इसी तरह हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, और ये है, ये वाली ऑप्शन है, और ये ऑप्शन है हमारे पास, दिस वन एज़ वेल। अब यहाँ तक हम आ गए और इस तरफ नीचे आना है तो डेफिनेटली हमने लास्ट को भी हम यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। सो DLI की कमांड हमारे पास मौजूद है और ये यहाँ पे जो है वो, और DCO की कमांड हम लगा के वी कैन इवन मेक दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, और ये डोर दरवाज़ा स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है यहाँ तक और यहाँ तक। सो दिस इज़ हाउ, अब ये लाइंस हैं, अगर आप समझते हैं कि ये लाइंस आप डिलीट करना चाह रहे हैं, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम जो है वो डी एंटर डायमेंशन में दोबारा जाते हैं, मॉडिफाई में दोबारा जाते हैं, लाइंस में तो एक्स्ट्रा लाइन 1 और 2 डिलीट करनी है तो उसको डिलीट कर देते हैं, सेट करंट करके सो क्लोज़ करेंगे तो ये लाइंस जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। सो इस तरह जो है हम डायमेंशंस को और अपनी जो है वो टेक्स्टिंग को, इसको अगर हम चाहें तो इनको वी कैन इवन प्लेस दिस डायमेंशन इन अ सेपरेट लेयर, एक और लेयर बनाकर, ताकि अगर कोई और हम ज़रा कलर से वेरिएट करना चाह रहे हैं। बट दिस इज़ हाउ नॉर्मली जो है हम टेक्स्टिंग और अपनी जो डायमेंशनिंग है उसको पूरा करते हैं। सो इस टॉपिक के अंदर हमने अपनी जो है वो डायमेंशनिंग और टेक्स्ट को जो है वो पूरा किया है। क्विक वे में हमने काम किया है, टेक्स्ट ऑलरेडी आपने कमांड की हुई है, सिंपली जो है हमने एक टेक्स्ट अप्रोप्रिएट साइज़ जो है अकॉर्डिंग टू विद रिलेशन टू आर ड्राइंग निकाली है, उसी को सिंपली हमने मूव किया है, कॉपी विद बेस पॉइंट प्लेस किया है, चेंजेस किए हैं, और मैंने ऑलरेडी ये नोट कर ली थी सारी। और जब भी एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम किसी रूम के साइज़ की बात करते हैं तो इंटरनल वॉल टू इंटरनल वॉल का डिस्टेंस हम हमेशा नोट करते हैं, एक्सटर्नल टू एक्सटर्नल नहीं होता, इंटरनल वॉल के डिस्टेंसेज हमने निकाले हैं। और क्विकली जो है हमने इस पर वर्क कम्प्लीट किया है, होप कि इस प्लान के बनने के बाद, क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस प्लान, सेक्शन एलिवेशन की तरफ हम जा नहीं रहे, तो आपने देखा होगा कि वेरी क्विकली हमने बहुत जल्दी में एक बहुत बड़े घर का प्लान जो है वो कम्प्लीट किया है, और शायद उससे एक्यूरेसी उस प्लान से भी ज़्यादा हो जो पहले हम कर चुके हैं। सो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर साइड एज़ वेल कि आपकी भी एग्जैक्टली इंशाल्लाह ऐसी ही ग्रिप हो चुकी होगी, तो बहुत आसान होगा आपके लिए भी आगे मूव करना और किसी भी तरह की डिज़ाइन को कम्प्लीट करना।